हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने काफ़ी बड़ा बयान यहाँ जारी कर रखा है। और लगभग जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा है कि शिक्षकों की जो है 10,000 भर्ती के संबंध में और कहाँ पर कितने पदों की नियुक्ति हमने दे दी है और कहाँ पर जो है कितनी पदों की भर्ती यहाँ पर अभी चल रही है उसके संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अरविंद पांडे का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग में अभी तक यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग जो है 10,000 लोगों को यहाँ पर जो है रोज़गार दिया गया है, और जिसके आंकड़े यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने गिनवाए हैं। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में यहाँ पर 1881 पदों पर जो है नियुक्ति दे दी गई है, और वहीं यहाँ पर 2648 पदों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। और वहीं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पर सहायक अध्यापक LT के पदों पर यहाँ पर 1818 पदों पर जो है तैनाती दे दी गई है। उसके साथ यहाँ पर 1431 पदों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है प्रवक्ता पद पर भी 1414 पद जो यहाँ पर तैनाती दे दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 571 पदों की जो वर्तमान प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है ऐसा बताया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं लगभग 4410 पोस्ट यहाँ पर जो है इनकी तैनाती भी दे दी गई है, जो कि अपना जो है शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि हमने यहाँ पर जो है 10,000 लोगों को यहाँ पर अभी तक जो है रोज़गार दे दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इस तरह का यहाँ पर अपडेट है, जो कि अलग अलग विभागों में यहाँ पर बता रखा है, प्राथमिक से लेकर LT और यहाँ पर प्रवक्ता लेवल के जो अलग अलग पद यहाँ पर आते हैं उनके संबंध में कहा गया है नियुक्तियाँ कितनी दे दी हैं और कितनी अभी बची हुई हैं, उन पर जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं भर्तियाँ, मतलब कि अभी जारी हैं इन पदों की भर्ती, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है। जो कि यहाँ पर अलग अपना ही जो है अपना जो है प्रचार किया गया है कि हमने जो है बीजेपी सरकार में इतने लोगों को यहाँ पर जो है लोगों को नौकरी जारी कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा।